जहां पूर्व विधायक राजवर्धन सी दत्ती गांव के नेतृत्व में बदनावर से करीब 300 कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने कहा कि वो बीजेपी में राष्ट्र की सेवा करने के लिए आए हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सिंधिया के रहने पर करीब 5000 कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता लेंगे, क्योंकि राष्ट्र की सेवा भाजपा में रहकर ही की जा सकती है। फिर आपने कांग्रेस को झटका दिया सर, आज काफी संख्या में कार्यकर्ता जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे करीब 300-400 प्रमुख कार्यकर्ता आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और अगले चरण में मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, सिंधिया जी जब आएंगे क्षेत्र में तो उस वक्त तकरीबन 4-5 हज़ार कार्यकर्ता और सदस्यता ग्रहण करेंगे और हम सब ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में सब मिल के काम करेंगे और क्षेत्र का और प्रदेश का एकजुट होकर विकास। शेखावत जी से कुछ मनमुटाव किया? कुछ नहीं, मैं तो शेखावतों का भानेज हूँ, मेरी माँ शेखावत है और भानेज तो मामा से जो चाहे ले ही सकता है, कोई दिक्कत। सर बदनावर में बीजेपी की स्थिति क्या नजर आ रही है सर? तो चुनाव परिणाम आ ही जाएगा कुछ महीनों बाद, सर पता लग जाएगा। सर कैसा फील कर रहे हैं, चूँकि कांग्रेस में अलग कल्चर, यहाँ पे संगठन लगता है सर कुछ बदलाव है? देखिए भाव आपका समाज सेवा का भाव एक ही होना चाहिए और आपके क्षेत्र का हित, आपके राष्ट्र का हित सर्वोपरि है और राष्ट्रहित पार्टी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा होता है। मेरे ख्याल से आपके समूची जिज्ञासाओं का जवाब यही है। ठीक है।